नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगस्त का महीना चल रहा है और ये सही वक्त होता है किसी भी विंटर सीजन वाले प्लांट के कटिंग लगाने के लिए। इस अगस्त के महीने में आप सर्दी वाले पौधे की कटिंग लगाए तो सितंबर तक वो रेडी हो जाते हैं और अक्टूबर के पहले वीक पे आप इसको रिपोर्ट कर दो तो नवंबर में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास पुराने किसी भी विंटर सीजन वाले प्लांट है जैसे कि मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम और डालिया जैसे प्लांट है तो आप उसके अभी कटिंग लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी क्रिसेंथेमम और मैरीगोल्ड के कटिंग ऑलरेडी लगा चुका हूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूं। तो मेरे मैरीगोल्ड के कटिंग जो है बहुत ही अच्छे से अभी देखिए इसके शायद रूटिंग हो चुके होंगे लेकिन मैं अभी इसको नहीं हिलाऊंगा। शायद 14 या 15 दिन हुए होंगे इसके कटिंग लगाए हुए और इस साइड पे मेरे है क्रिसेंथेमम के कटिंग। दोनों के कटिंग ही मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ मेरे चैनल पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि ये सही वक्त होता है किसी भी विंटर सीजन वाले प्लांट के कटिंग लगाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डहलिया प्लांट की कटिंग कैसे लगाया जाता है अभी इस समय। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ पर कुछ पिछले साल का डहलिया प्लांट है, मैं इसको थोड़ी सी केयर करके शेड में रखा था। तो मेरे प्लांट देखिए अभी भी मेरे गार्डन पे मौजूद है। तो अभी मैं इसी से ही कुछ कटिंग करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे डहलिया प्लांट की कटिंग लगाया जाता है। तो डहलिया प्लांट के कटिंग के लिए आपको 3 से 4 इंच का स्टेम लेना पड़ेगा, उसको कट करके आप नीचे की साइड की जो लीव्स है उसको हटा दीजिए और उसको लगा दीजिए सिर्फ सैंड के अंदर। जैसे कि ये आप स्टेम देख रहे हो इसको मैं यहां से कट करूंगा। तो इसी सेम प्रोसेस से मेरे पास जितने सारे हो सकता है मैं कटिंग ले लूंगा और इस साइड पे भी मेरे कुछ प्लांट है जिसके मैं कटिंग लगा सकता हूं। तो जैसे कि आपके सामने है कुछ डलिया के कटिंग, मैं कटिंग ले लिया हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 से 4 इंच का कटिंग है और कटिंग करने के बाद नीचे की साइड के जो लीव्स है उसको मैं अच्छे से धीरे धीरे से इसको हटा दूंगा ताकि जो ब्रांचेस है वो खराब ना हो क्योंकि यहीं से रूटिंग होने वाले है। तो इस तरह से आप लीव्स को हटा दीजिए, हो सके तो यहाँ से भी हटा दीजिए और यहाँ तक मतलब जितने पूरे स्टेम है आपके कटिंग है उसका आधा हिस्सा मैं सैंड पे लगाऊंगा मतलब सॉइल के अंदर रखूंगा और बाकी आधा हिस्सा ऊपर की साइड रहेगी। तो इस तरीके से लीव्स को हटा देना है। इसी सेम प्रोसेस से जितने सारे कटिंग्स है मैं सभी के कटिंग्स से ही जो नीचे की साइड की लीव्स है उसको मैं हटा दूंगा। पर लीव्स को हटाने के बाद मैं कटिंग को पानी के अंदर रख दूंगा, ऐसा आप 1 घंटे से 1 दिन तक रख सकते हो पानी के अंदर। उसके बाद इसको आप ग्रो कर सकते हो सिर्फ सैंड या फिर सैंड और सॉइल के मिक्सचर के अंदर 2 घंटा बाद। तो मैं कटिंग करके देखिए कटिंग को 2 घंटे के लिए इस पानी के अंदर में छोड़ दिया था और अभी मैं इस कटिंग को लगाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं 6 इंच के पॉट ले लिया हूं और उसके अंदर मैं सिर्फ सैंड मतलब रेत, कंस्ट्रक्शन के जो रेत होते हैं वो मैं ले लिया हूं और इसके अंदर ही मैं कटिंग लगाऊंगा। इससे पहले कटिंग लगाने से पहले रेत को पहले भिगो लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कटिंग को लगाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं 2 6 इंच का पॉट ले लिया हूँ, प्लास्टिक पॉट, और इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ इस छोटे छोटे से कटिंग को।
पहले सैंड को भिगो लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सैंड को नहीं भिगाओगे तो उसके बाद आप जब सूखे सैंड पे अगर आप कटिंग को लगाने जाओगे तो कटिंग की जो नीचे की हिस्से है वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए रेत को पहले भिगो लेना अच्छा होता है। ये करने के बाद जो कटिंग है मेरा, यहाँ तक मैं कटिंग को लगा दूंगा सिर्फ सैंड के अंदर। इसी सेम प्रोसेस से जितने सारे कटिंग है मैं कटिंग को लगा सकता हूँ। कटिंग को लगाने के लिए आप उंगली के इस्तेमाल करके आप सैंड को इस तरह से एक होल बना के उसके अंदर कटिंग लगा सकते हो, ताकि कटिंग की नीचे की साइड की जो हिस्से है वो खराब ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं कटिंग ऑलरेडी लगा चुका हूँ, और कटिंग लगाने के बाद मैं इसको रखूंगा शेड पे जहाँ पर दिन भर की तेज धूप इसके ऊपर ना आ पाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वाटरिंग कर चुका हूं, इसलिए ऊपर से एक्स्ट्रा वाटरिंग करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हर दिन इसको नजर रखना पड़ेगा कि सैंड जो है वो सूख ना पाए। और आज से 15 से 20 दिन के अंदर कटिंग में रूटिंग चालू हो जाएंगे, लेकिन मैं इसको एटलीस्ट 30 डेज दूंगा, क्योंकि अच्छे खासे रूटिंग होने में 30 डेज लग जाते हैं। 30 डेज तक मैं कटिंग को हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि कटिंग अगर एक बार हिल जाए तो कटिंग खराब हो सकते हैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कटिंग को हमेशा ही शेड में रखना है, मतलब किसी बड़े प्लांट्स के नीचे जहाँ पर तेज धूप ना आता हो। अभी कटिंग को सनलाइट पे लाने की जरूरत नहीं है। इसको जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा, कटिंग को रिपोर्टिंग करने के 10 दिन बाद मैं कटिंग को फुल सनलाइट पे लाऊंगा, मतलब आज से ऑलमोस्ट 40 दिन बाद, मतलब सितंबर के 20 तारीख तक मैं इसको शेड पे ही रखूंगा। तो दोस्तों, ये तो था कटिंग के बारे में, डहलिया प्लांट के कटिंग के बारे में छोटी सी जानकारी, छोटी सी वीडियो। इसके अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।